CS401 की फर्स्ट असाइनमेंट आ गई है जिसकी डेडलाइन 18 मई है। इसको आपने वर्ड में बनाकर भेजना है और असाइनमेंट का टॉपिक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। हमने इस असाइनमेंट में करना क्या है, एक असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने अपने VUID के तमाम डिजिट्स को ऐड करना है और एडिशन मतलब रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करवाना है और एडिशन के लिए लूप इस्तेमाल करनी है। लूप का मतलब रेपिटिशन, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस खास तरतीब से रिपीट होंगी और प्रोग्राम को फिर टर्मिनेट मतलब ख़त्म करवाने के लिए जंप इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, अगर आपकी आईडी में ज़ीरो है वो ऐड नहीं होंगे, मतलब जब ज़ीरो आए तो कंट्रोलर नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाए, वो ज़ीरो को ऐड ना करें। और लास्ट लाइन, रिजल्ट को किसी दूसरे वेरिएबल से स्टोर करवाना है। चले हम सबसे पहले ये प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर आप सेमी कॉलन डालकर कुछ भी कमेंट्स लिख सकते हैं। आपको पता है असेंबली लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो सेमी कॉलन डालकर आप जो भी लिखेंगे असेंबलर उसको असेंबल नहीं करेगा, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वो सिर्फ हमारी आसानी के लिए है। अब हम इसको जब स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को तो लिखेंगे ORG 0x100। ये डायरेक्टली फाइल है जिसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस का जो नंबर है वो स्टार्ट होगा 100 से। मूव BX, num1, इसका क्या मतलब है कि BX रजिस्टर में num1 का जो डिजिट है फर्स्ट वो इसमें लोड कर दो, इसमें डाल दो। अब num1 हमारा VUID के डिजिट्स हैं जिन्हें हम लास्ट पे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद मूव CX, 09। CX एक रजिस्टर है जो नंबर्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आपकी VUID के डिजिट्स 9 है तो यहाँ पे 9 आएगा, अगर 10 है तो 10 आएंगे, मतलब जितने नंबर आप डिजिट्स को हमने ऐड करवाना है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर है मूव AX, 0। यहाँ पे हमने वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया है कि AX रजिस्टर में 0 है, ठीक है, इसकी फर्स्ट वैल्यू अभी 0 है। फिर मूव SI, 0। अब ये हमने एक नंबर दिया है जिसकी वैल्यू उसमें 0 हमने डाल दी है। इस नंबर से हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास ID में 0 आ जाएगा तो कंपेयर करवाएंगे, अगर 0 है तो वो काउंट नहीं होगा। इसके बाद हम लेबल इस्तेमाल करते हैं। लेबल का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, L1 ये एक एड्रेस है, ठीक है, और इसके बाद आपने कॉलन लगाने हैं ताकि ये लेबल को रिप्रेजेंट करे। फिर हम लिखते हैं CMP मतलब कंपेयर करो BX के एड्रेस को किसके साथ, SI की वैल्यू के साथ। BX को आप ब्रैकेट्स में जब लिखेंगे तो ये एड्रेस बन जाएगा SI। अगर कंपेयर करो, अगर कंपेयर करने से वैल्यू 0 आती है देन तुम जंप कर जाओ, JE का मतलब है जंप कर जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या है, वो अगला नेबल है। उससे पहले हम लिखेंगे ऐड AX, BX एड्रेस। अगर 0 नहीं आता तो तुम क्या करोगे, BX में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू है वो AX में ऐड कर दो। अब नेक्स्ट पे हम कहते हैं कि जो हमने नेक्स्ट लेबल बनाया है वो है नेक्स्ट, उसको नाम दे दें, कोई भी आप नेम देख सकते हैं। वहाँ पे हम कहते हैं ऐड करो BX में, 2, मतलब BX में जो वैल्यू है उसमें 2 और ऐड कर दो। अब क्यों, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना चाहते हैं, जो नेक्स्ट डिजिट है उसको हम काउंट करना चाहते हैं, तो इस वजह से हम BX में 2 ऐड कर लेंगे तो वो नेक्स्ट एड्रेस बन जाएगा। अब इसके बाद है सब्ट्रैक्ट करो CX में से 1 को, मतलब CX में एक एक वैल्यू को तुम कम करते जाओ क्योंकि हमने लूप लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लिखा, इसके बाद है GNZ L1 कि अगर वैल्यू
0 आ जाती है तो तुमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे लूप को ख़त्म कर देना है और नेक्स्ट लाइन पे चला जाना है। और अगर 0 नहीं आता तो दोबारा से ये लूप स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? कंपेयर बी एक्स एस आई से। और इसी तरह नंबर्स जो हैं वो ए एक्स में ऐड होते जाएंगे। और फिर क्या है कि हमारे पास अगर जब 0 हो जाएगा तो मूव करो, हमने एक और वेरिएबल दिया है जिसमें हमने अपने एडिशन को क्या करना है, ऐड करना है, तो वो हमने उसका टोटल नेम दे दिया है, टोटल एक एड्रेस है, और ए एक्स की वैल्यू को उसमें लोड कर दो। फिर लास्ट में हमारे पास कि हम प्रोग्राम को कैसे असम्बली को ख़त्म करते हैं, आपको पता है मूव ए एक्स कॉमा 0x400 लिखते हैं, नीचे इंट 0x21, ये दो टर्मिनेटिंग लाइन्स हैं। अब जो दो हमने वेरिएबल दिए हैं नम वन और इसके अलावा टोटल, तो इनकी वैल्यूज़ को अब हम डिक्लेयर करेंगे। तो नम वन लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे और डी डब्ल्यू क्या कि हमारे पास डेटा डिक्लेरेशन है, ठीक है, कि इसको वर्ड में डिक्लेयर करना है। और अगर हमारी आईडी ये है 2 है कॉमा 7 कॉमा 0 कॉमन 4 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 7 कॉमा 3 कॉमा 3, जो भी आपकी आईडी नंबर है, डिजिट है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नीचे क्या है कि टोटल जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर करवाना है उसको हम डिक्लेयर कर देंगे 0, तो यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अब ये हमारी असाइनमेंट का प्रोग्राम था। सबसे पहले आपने ये प्रोग्राम वर्ड में जाके लिखना है, इसको टाइप करना है, और उसके बाद आपने इसको डीबगर पे चलाना है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो पहला स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और उसके बाद जब लास्ट पे रिज़ल्ट आएगा और वो डेटा मेमोरी में शो होगा तो आप दोबारा से उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब डीबगर कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ या आपके पास नहीं है, तो इस वीडियो के लास्ट पे एक वीडियो आ रही है, आप वहाँ पे जाके डीबगर और असेंबलर को इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम वहाँ पे प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं।